जय जय बनारस का भैया, का हाल चाल हो? सब चकाचक न? तो शुरू हो जाइए, शुरू बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर वन रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, आप ही के नंबर वन रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है शुक्रवार और दिनांक है 14 जुलाई। दोस्तों, आज सुबह से ही मेरे मन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चंद पंक्तियाँ बार बार उमड़ घुमड़ रही हैं। आपसे भी शेयर करता हूँ। टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपने की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, आज एक ऐसा ही नया गीत गा रहा है अपना देश। असफलताओं से हार ना मानते हुए, चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एक बार फिर नया प्रयास, नया इतिहास और नया अध्याय लिखने को तैयार। आज का दिन है बेहद खास, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो दोपहर में ठीक 2:35 पर अपने सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन के तहत श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये लॉन्चिंग LVM-3 लॉन्च व्हीकल द्वारा किया जाएगा, जिसे बाहुबली फैट बॉय भी कहा जाता है। इसे भेजने का उद्देश्य पृथ्वी से इतर किसी दूसरे ग्रह पर अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की क्षमता हासिल करना भी है, जो अब तक महज 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास हैं। इसके बाद भारत चंद्रमा के वातावरण में सेफ लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन करेगा। ये मिशन अंतरिक्ष में पहली बार अपने दम पर किसी भारतीय इंसान को भेजने की क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। आपको बता दें कि भारत वर्ष 2024 में गगनयान मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के साथ प्रार्थना करें कि देश का ये मिशन सफल हो और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत उपलब्धियों का एक नया अध्याय लिखने में सक्षम हो सके। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। दोस्तों, हमने अपने बचपन में चंदा मामा की कितनी कहानियां सुनी थी। युवा होने पर अपने लिए चंदा से जैसी जीवन साथी की कल्पनाएं की थी, लेकिन आज तकनीक के विकास ने अपने उसी चंदा मामा के घर दस्तक दे दिया है, जिसके लिए कृष्ण कहा करते थे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो चंदा मामा के घर दस्तक दे रहे इसरो के इस मिशन के बारे में और भी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग से आज के हमारे विशेष मेहमान। तो आइए सुनते हैं वे क्या बता रहे हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, इस कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हैं, आज देश की धड़कन मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण होने वाला है। यह चंद्रयान 1 से और 2 से काफी भिन्न है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन जो है 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, यह बहुत ही सफल मिशन था, इसमें एक ऑर्बिटर था। इसके बाद चंद्रयान 2 प्रक्षेपण किया गया 22 जुलाई 2019 को। इसमें 3 भाग थे, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर। ऑर्बिटर बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि इसका जो है लैंडिंग जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया और जिसके चलते ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। इस बार भारत जो है चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण कर रहा है, वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जा रहा है। यह हमारे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए जो है लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 और इसकी पेलोड जो है काफी हेवी है, 3,900 किलोग्राम को पेलोड से जाएगा। और इसके लिए जो है इसकी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल का स्थान किया गया है और इसको लॉन्च करने के लिए बहुत से बातों का ध्यान रखा गया है। हमारे एस सोमनाथ जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत सी
विफलताओं को दूर करने के लिए बहुत से उसमें उपाय किए हैं। उनका कहना है कि इसमें जो है सेंसर इंजन एल्गोरिथम और गणना में बहुत सी सुधार किया गया है, और इसमें जो है इसको जो है 14 जुलाई को 2:35 पे लॉन्च किया जाएगा, और कोशिश ये की गई है कि पिछली बार की गलतियों को दोहराया न जाए और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। पिछले बार की गलतियों के बारे में उन्होंने कहा कि मोटर की स्पीड में और इसके कैलकुलेशन में गलती हो जाने की वजह से, और तीसरी गलती उन्होंने बताया कि इसका जो लैंडिंग स्थान था वो केवल 500x500 मीटर था। इस बार उन्होंने क्या किया है कि इसकी लैंडिंग जो है जहां पर किया उतरेगा और क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया है, और इसको जो है 4 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर रखा गया है। और उन्होंने ये प्रयास किया है कि जब उतरेगी तो अगर कोई भी असफलता होती है तो यह अपना स्थान बदल सकता है। इसमें ज्यादा ईंधन की भी भरपाई की गई है कि ज्यादा ईंधन होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर लैंडिंग में कोई भी पिछले बार की तरह समस्या आती है तो यह अपना स्थान बदल सकता है, और ज्यादा ईंधन होने से अपने इसको ज्यादा समय मिल जाएगा और वह स्थान बदल के उस त्रुटियों को पूरा कर सकता है जो कि पिछले बार में सफल नहीं हो पाया था। देश की धड़कन या चंद्रयान 3 मिशन इस सफलता की हम लोग कामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे बहुत सी सफलताएं मिले हमको और ये पृथ्वी चंद्रमा की सतह पर हम लोग सफलतापूर्वक उतर सके, और इसका जो रोवर है प्रज्ञान वो इससे लैंडर से बाहर निकल के चंद्रमा की सतह पे विचरण कर सके और बहुत से वहां के वातावरण के बारे में, वहां पे मिनरल के बारे में, वहां पर के वायुमंडल के बारे में और वहां पे पाई जाने वाली बहुत ही तरह तरह की वनस्पति के बारे में, तो बहुत से सेंसर इसमें लगाए गए हैं। पिछले बार आपने जानते हैं कि 8 सेंसर लगाए गए थे पिछले बार ऑर्बिटर में जो अभी भी सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, तो उनके अलावा भी बहुत से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत को अपनी तकनीकी के बारे में, अपनी तकनीकी जो फेल हो गई थी उस तकनीकी को बढ़ाना है, और उस तकनीकी के केस में भारत चाहता है कि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और इंजन और कैलकुलेशन को सही पूर्वक करके और एक सफलता के झंडे गाड़े और विश्व में अपना नाम रोशन कर सके और यह विश्व में चंद्रमा पहुंचने वाला सफलतम देश बन जाए। तो आइए हम लोग सभी मिले और कामना करें कि चंद्रयान सफल हो और इससे भारत का नाम ऊंचा हो और भारत एक अच्छी सफलता ले। हम लोग इसरो को सफलता के लिए कामना करें। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को। हमसे जुड़ने और इतनी जानकारी की बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए दोस्तों अब जान लेते हैं अपने शहर बनारस का हाल समाचार। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को सीनियर वर्ग में भारत के शुभम टोटकर ने 61 किलोग्राम स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत की पोपी हजारिका ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते, जिसमें ज्योति यारा जी का महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ और अजय कुमार सरोज का पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ का खिताब भी शामिल है। शासन के निर्देश पर नगर निगम 14 जुलाई से महासफाई अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 21 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सूबे के सभी नगर आयुक्तों अधिशासी अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक भी की। दोस्तों आप सभी लोगों ने पुरुषों और महिलाओं की ब्यूटी कॉम्पिटिशन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार अब सिटी ब्यूटी कंपटीशन आयोजित करने जा रही है। इसमें देश के सभी नगर प्रतिभाग कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है। इस कंपटीशन में वाराणसी नगर निगम भी प्रतिभाग करने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आवेदन 2 दिनों के भीतर करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर भारत क्षेत्र अंबाला, मुरादाबाद और दिल्ली मंडल में जल जमाव से गाड़ियों का परिचालन 5वें दिन भी प्रभावित रहा। इसके तहत कैंट स्टेशन से गुजरने वाली 5 ट्रेनें गुरुवार को रद्द रहीं। इसका असर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। उत्तर रेल प्रशासन ने 5 ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा के अनुसार अमृतसर हावड़ा मेल, जम्मू तवी लखनऊ बेगमपुरा एक्सप्रेस, देहरादून बनारस जनता एक्सप्रेस और योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस शुक्रवार को वाराणसी नहीं आएंगी। एक दिन पहले इन ट्रेनों को प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त कर दिया गया था।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान में चल रहे मदन मोहन मालवीय मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के प्रथम फाइनल मैच में गुरुवार को बीएचयू महिला टीम विवेक सिंह हॉकी एकेडमी महिला टीम को 6-0 से हराकर विजेता बनी। दूसरे फाइनल मैच में अंडर 14 पुरुष में विवेक सिंह हॉकी एकेडमी ने नितिन हॉकी को 3-1 से हरा दिया। तीसरा फाइनल मैच एनी रेलवे और मालवीय स्पोर्टिंग क्लब बीएचयू के बीच खेला गया, जिसमें एनी रेलवे ने मालवीय स्पोर्टिंग क्लब बीएचयू को 3-1 से पराजित कर मुकाबला जीत लिया। तो ये था हाल समाचार अपने शहर बनारस का, और आइए अब करते हैं बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आज है जन्मदिन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु गुप्त और चंद्रभानु गुप्त का। साथ ही आज है पुण्यतिथि फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस, संगीतकार मदन मोहन और साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह की। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से पहले हिंदी के खड़ी बोली के लिए राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया कार्य निश्चित ही सराहनीय है। 1863 में कवि कुलगुरु कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का आपके द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद शकुंतला नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें खड़ी बोली का जो स्वरूप आपने प्रस्तुत किया उसे देखकर लोग चकित रह गए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी गुटका में इस रचना को स्थान दिया था। आपको बता दें कि आज हम आप जो खड़ी बोली बोलते हैं उसके विकास में इन सभी साहित्यकारों का अमूल्य योगदान रहा है। तो इन सबकी स्मृतियों को नमन करते हुए आइए अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार और जिसका नाम है काशी कथा। काशी कथा के आज के अंक में हम जिस मोहल्ले की कथा सुनने जा रहे हैं उसका नाम है रामघाट। रामघाट नामक मोहल्ले का कई दृष्टियों से महत्व है। रामघाट की गणना काशी के प्राचीन घाटों में की जाती है। गीरवाण पद मंजरी में इसका नाम रामघट्ट लिखा है। उत्तर वाहिनी गंगा तट पर जहां पौराणिक राम तीर्थ था वहीं पर रामघाट का निर्माण हुआ। कालांतर में घाट के ऊपर बसे मोहल्ले का नाम भी रामघाट हो गया। इस घाट के बगल में स्थित जटार घाट पर अखाड़े में एक कुंड है जहां से किरणा नदी का उद्गम माना जाता है। वहीं बालाजी घाट पर गंगा जी में मयूखार्क एवं मंगला तीर्थ कहे गए हैं। इसके बगल में ही स्थित ग्वालियर घाट पर 84 सीढ़ियां एकदम खड़ी हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर मंगला गौरी का काशी खंडोक्त मंदिर है। यहाँ प्राचीन काल में सहस्रांशु भगवान सूर्य ने गभस्तीश्वर नामक शिवलिंग और मंगला गौरी की स्थापना करके घनघोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव और पार्वती ने उन्हें दर्शन दिया तो भगवान भास्कर ने 8-8 श्लोकों से उनकी स्तुति की। ये स्तुतियां गर्भस्थीश्वर अष्टक और मंगला गौर्याष्टक नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव ने इन स्तुतियों को सिद्धदायिनी होने का आशीर्वाद दिया और सूर्य भगवान का नया नाम मयूखादित्य रखा। भोलेनाथ ने काशीवासियों को पंचगंगा घाट पर स्नान करके गभस्तीश्वर के दर्शन पूजन का विधान बनाया और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मंगला गौरी की वार्षिक यात्रा निर्धारित की। मंदिर परिसर के सामने एक ओर श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिर और दूसरी ओर जड़ाऊ मंदिर है। थोड़ी ही दूर पर बालक राम मंदिर, शेषशायी विष्णु मंदिर और राम मंदिर है। कलकत्ता निवासी स्वर्गीय बल्लभ राम शालिग्राम मेहता की कीर्ति पताका फहराते हुई अनेक शैक्षणिक और चिकित्सकीय संस्थाएं भी रामघाट मोहल्ले की शोभा है। इनकी स्थापना के क्रम में सबसे पहले विक्रमी संवत 1977 में तत्कालीन काशी नरेश महाराज प्रभु नारायण सिंह के कर कमलों से बल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय की स्थापना हुई। वेद और वेदांगों के समुचित संरक्षण और शिक्षा दीक्षा हेतु श्री वल्लभ राम शालिग्राम मेहता के भांजों बिहारी लाल और किशोरी लाल मेहता ने अपने मामा की स्मृति में अर्थ सहायता देकर सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़ के परामर्श से और उन्हीं की अध्यक्षता में इस विद्यालय की स्थापना की थी। इस विद्यालय से जुड़े कई छात्रों और अध्यापकों ने संपूर्ण राष्ट्र में ख्याति अर्जित की, जिसमें पद्म विभूषण पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, जगत गुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी, प्रसिद्ध भागवती पंडित रामचंद्र केशव डोंगरे जी, महामहोपाध्याय पंडित विश्वनाथ शास्त्री दातार, पंडित रामचंद्र शास्त्री खनंग, पंडित हरिराम शास्त्री शुक्ल, पंडित रामचंद्र शास्त्री होसमने, वेदमूर्ति पंडित नारायण पालंदे, पंडित लक्ष्मीकांत पुराणिक,
और ज्योतिषाचार्य पंडित कमलाकर जोशी जैसे विद्वान प्रमुख हैं। वर्तमान में पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ के यशस्वी पुत्र द्वय पंडित गणेश्वर शास्त्री और विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। काशीराज परिवार द्वारा इसे निरंतर संरक्षण प्राप्त होता रहा है। विकास के क्रम में इस विद्यालय ने विशुद्ध संस्कृत विश्वविद्यालय का रूप भी आगे चलकर प्राप्त किया था। इसके छात्रों और शिक्षकों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। इस क्रम में यहाँ पर एक एलोपैथिक चिकित्सा भवन का भी निर्माण किया गया था जो वर्तमान में भी स्थित है, हालांकि वहाँ पर अभी स्वास्थ्य कार्य बाधित है। तो ये था हमारा आज का मोहल्ला सेगमेंट। और श्रोताओं, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि बनारसी बाबू चलने का वक्त हो रहा है। तो आपका ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा ईमेल है pkld@varanasi.gmail.com। तो गुरु अब चलने की दीजिए अनुमति। मस्त रहा, मस्त करा। जय जय बनारस।